नमस्कार। अब बारी है सत्ता के सेमीफाइनल की। जी हां, बिहार की 29 सीटों पर मई के महीने में चुनाव होंगे, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार विधान परिषद की 29 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों को बिहार के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इन 29 सीटों में से कई सीटें मनोनयन से भरी जाएंगी, तो कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इन 29 सीटों में से 12 सीटें राज्यपाल कोटे की हैं, तो तय है कि इसमें सत्ताधारी एनडीए का पलड़ा भारी रहने वाला है। फिर भी बाकी बची सीटों पर महागठबंधन यानी राजद और कांग्रेस भी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधान परिषद की जिन 29 सीटों पर दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद और पूर्व मंत्री पी के शाही जैसी हस्तियों का नाम शामिल है। इसके अलावा जदयू के ललन सिंह और लोजपा के पशुपति कुमार पारस के लोकसभा चुनाव जीत जाने की वजह से भी 2 सीटें रिक्त हो चुकी हैं। बात करें विधानसभा कोटे की सीटों की, तो इन 29 सीटों में से 9 सीटें विधानसभा कोटे की है। एक सीट जीतने के लिए 27 विधायकों की जरूरत होगी, तो उस हिसाब से एनडीए को 5 और महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। दोनों गठबंधनों में अभी से ही अलग अलग नेता विधानसभा कोटे से विधान परिषद जाने के लिए रस्साकसी तेज कर चुके हैं। अब बात करें राज्यपाल कोटे द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्यों की, तो इसमें 12 सीटों के लिए महामहिम राज्यपाल विधान परिषद सदस्यों का मनोनयन करते हैं। यहां पर आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को विधान परिषद के लिए मनोनीत करते हैं जिनका नाम राज्य सरकार प्रस्तावित करती है। जाहिर है कि इसमें जदयू और भाजपा से जुड़े लोग ही ज्यादा शामिल रहेंगे। राज्यपाल द्वारा मनोनीत जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें जावेद इकबाल अंसारी, ललन सर्राफ, रामचंद्र भारती, रामलखन राम लमन, रामवचन राय, राणा गंगेश्वर सिंह, रणवीर नंदन, संजय कुमार सिंह, शिव प्रसन्न यादव एवं विजय कुमार मिश्र के नाम शामिल हैं। अब बारी आती है स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। स्नातक और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले जिन सदस्यों का कार्यकाल इस चुनाव में समाप्त हो रहा है, उनमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का नाम शामिल है। मदन मोहन झा पिछली दफे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे, जबकि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के ही दिलीप कुमार चौधरी विधान पार्षद बने थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहाँ से नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव का नाम शामिल है। वहीं कोसी स्नातक सीट से डॉक्टर एनके यादव एवं तिरहुत स्नातक से देवेश चंद्र ठाकुर का नाम शामिल है। राज्यपाल द्वारा भरी जाने वाली सीटों को छोड़ दें, तो बाकी की सभी सीटों के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच घमासान होना तय है। धन्यवाद।